एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द चैनल। दोस्तों, हम लोग आज के एपिसोड में अभी भी अपनी फ्रेमिंग की तरफ ही कर रहे हैं सारा काम। तो अभी हमारे रूफ के जो सपोर्ट्स, क्रॉस सेक्शंस और कर्व जो रहता है उसके फ्रेम सपोर्ट्स बना रहे हैं ताकि हमारी जो सिमेट्री है वो एक जैसी नज़र आए, बिकॉज गाड़ी के अंदर डिफरेंसेस रहते हैं लेफ्ट टू राइट, आगे और पीछे। तो हमारा पूरा वुड फिनिश जो है वो एक जैसा नज़र आए उसके लिए हम लोग अपने साइड के फ्रेम सपोर्ट्स को एक बराबर अलाइन कर रहे हैं और नए सपोर्ट्स बना के वुड के उनको भी हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो भी ये फ्रेमवर्क हम कर रहे हैं ये बहुत टीडियस है, बहुत लेंदी है, काफ़ी दिनों का काम इसमें जाता है। बट दिस इज़ द एक्चुअल यू नो मेन स्टार वर्क यू कैन से, कि जो कि हमारा 40-50% जो काम है वो ये पीछे का रहता है, फ्रेमिंग का। और एज़ यूजुअल दिन ख़त्म होते होते कैंपर वैन में जितना भी हमारा डर्ट, गंद, जो भी सब पूरे दिन के काम का इकट्ठा होता है उसको साफ़ करना रोज़ बहुत ज़रूरी होता है। एंड इसके बाद बारी थी सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो कि है वायरिंग का। हम लोगों ने पूरी प्लानिंग करी हुई थी, हमें पता था कौन से प्लांसेस कहाँ पे आने हैं, कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पे लगने हैं। एंड हम लोगों ने थ्रू आउट द वैन जितनी भी वायरिंग करी है, हमारी सारी अंडरग्राउंड वायरिंग थी, कोई भी ओपन वायरिंग नहीं थी। एंड हम लोगों ने कॉन्डुइट बहुत अच्छे क्वालिटी की यूज़ करी थी ताकि इन फ्यूचर भी हमें कोई वायर रिप्लेस करनी पड़े तो हम तार से तार जोड़ के खींच के नई तार उसके अंदर रिप्लेस कर सकते हैं, डाल सकते हैं। हमें ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन लग गए थे सारी वायरिंग कंप्लीट करने पे। एंड उसके बाद भी हमने 2 दिन का गैप दिया था जस्ट टू बी श्योर कि हमारी कोई वायरिंग या कोई भी अप्लायंस जो हमें कनेक्ट करना है बाद में उसकी वायरिंग रह ना जाए। दोस्तों, एक बात और आप लोगों के नोटिस में लाना चाहूँगा, हालांकि कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी अगर कैंपर वैन बना रहा होगा या इतना पैसा लगाएगा, ऑलवेज टेक केयर कि आप जो भी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि ये काम एक बार होते अच्छे लगते हैं, बार बार नहीं। तो एक बार में सबसे अच्छी क्वालिटी लगाने की कोशिश कीजिएगा। और जो 2 दिन का हमने रिवीजन टाइम रखा था वायरिंग के बाद का, उस दौरान हम लोगों ने अपनी ऑडियो की 6 स्पीकर्स की वायरिंग और CCTV 4 हमारे लगने थे और 360 डिग्री व्यू, उसकी वायरिंग हम लोगों ने उस 2 दिन के अंदर ख़त्म कर दी थी। विंडोज़ हमने क्लोज करी थी और मेटल शीट्स लगाई थी, उनकी साउंड डैम्पनिंग भी हमने एंड में पूरी कर दी थी।
हमारी जो पॉपटॉप रूफ रेज होने वाली थी उसके अंदर भी हम लोगों का फ्रेमिंग वर्क बचा हुआ था, क्रॉस सेक्शन लगने बचे हुए थे और हम लोग ऑलरेडी टाइम से रेस कर रहे थे क्योंकि और दो दिन में रमज़ान का टाइम था और हमारे कारपेंटर्स को ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन की छुट्टी चाहिए थी। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम जितनी जल्दी हो सके एटलीस्ट अपना फ्रेमिंग एंड इंसुलेशन पार्ट करके हम यू नो क्लोज डाउन कर सके क्योंकि बीच में एक लंबी छुट्टी का गैप पड़ने वाला था। उसके बाद बारी थी हमारे रूफ़ के जो हमने फ्रेम्स बनाए थे, सेक्शंस बनाए थे, उनको इंसुलेट करने की, जितने भी गैप्स थे। तो हम लोगों ने 50 mm की थर्मोबोर्ड्स लेकर 90 डेंसिटी वाले और उनको स्पेसिफिकली इंसुलेशन स्टिक पिन आती हैं जो कि बहुत इजी होती हैं यूज़ करने के लिए। एंड इनको यूज़ करने से पहले जो भी आपका सरफेस एरिया है उसको आपको 100% अल्कोहल से रब ऑफ करना है ताकि कोई भी डस्ट ना रहे और उसकी जो ग्लू है वो लंबे टाइम तक चले। इट वॉज टाइम टू असेंबल वन ऑफ माई फेवरेट टूल्स, रूटर मशीन। आजकल इसके अंदर छोटे वर्जन भी आ गए हैं सिंगल हैंड वाले, बट आई लाइक द होल फुल वर्जन एज इसकी जो काम करने की क्षमता है वो ज़्यादा रहती है। हम लोगों को कहीं ना कहीं पर जो हमारी ये बोर्ड्स हम लगा रहे थे इनको थिन आउट करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि गाड़ी में, जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ बराबर नहीं रहता है, तो कहीं कहीं पर आप लोगों को इसको थिन आउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड फिर से दोस्तों हम लोगों को फॉइल टेप का इस्तेमाल करके वेपर बैरियर बना के रखना है, जैसे कि हमने नीचे की फ्लोरिंग में जब इंसुलेशन करी थी उस पर भी हमने फॉइल टेप लगाई थी, तो जब हम रूफ़ की करेंगे उस पर भी हमें फॉइल टेप लगानी है। हमारे टूल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, सामान बहुत ज़्यादा होता जा रहा था, तो हमें उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी हो गया था बिकॉज सामान बहुत फैल रहा था। हमारे पास एक ही पुराना कैबिनेट निकल आया था जो कि हमारी वॉल, जो स्टोर रूम था उसकी वॉल के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मैच था। तो हम लोगों ने इसकी मेजरमेंट्स लेके इसको वहाँ पर माउंट करा और अपना सारा जितना भी टूल्स, स्क्रूज, एवरीथिंग हमने उसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा। एंड वी केप्ट ऑन गोइंग अंटिल हमारी रूफ़ के सारे इंसुलेशन बोर्ड्स जो हैं वो अपनी जगह पे नहीं लग गए। इन द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स कि अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स अस अलॉट। थैंक यू।